नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। सभी को हनुमान जयंती की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार 23 अप्रैल मंगलवार के दिन सुबह 3:25 से शुरू हो जाएगी हनुमान जयंती, जो दूसरे दिन 5:18 तक रहने वाली है। मतलब पूरा दिन, मंगलवार वाले दिन आप वो तमाम उपाय करें जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, जो भगवान राम को प्रसन्न करें। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के ढेरों उपाय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। सारे उपाय ना कर सके तो उतने तो जरूर करें जितने आप कर सकते। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के तमाम तकलीफ, तमाम प्रकार के संकट दूर होते हैं। आज संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तुलसी की माला हाथ में लेकर के इन शब्दों को अगर आप एक माला का जाप कर लें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, तो तमाम प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है, तमाम प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों तिल का तेल और चमेली का तेल, तीनों तेल मिक्स करके उसमें पारा सिंदूर, जिन्होंने पारा सिंदूर मंगवाया हुआ है, दूसरे सिंदूर का बिल्कुल भी यूज ना करें, इसी सिंदूर को तेल में मिलाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें। आज के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने की प्रसादी रखें, घी और गुड़ की प्रसादी रखें। घी और गुड़ का प्रसाद आज के दिन हनुमान जी को अर्पित करने से तमाम प्रकार के जो मंगल के दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। माता पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है मंगल की, मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ है। मंगल आज अगर आपके मजबूत है, अच्छे हैं, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, जमीन मकान दुकान सब बहुत अच्छे से होते रहते हैं। अगर मंगल अच्छे नहीं है तो ना नौकरी अच्छी मिलेगी, ना पारिवारिक जीवन अच्छा होता है और जिंदगी भी कैसी निकलती, बिल्कुल कायरों की तरह। तो मंगलवार के दिन गुड़ का दान करने का वैसे भी बहुत महत्व है और इस बार बहुत अच्छी बात है कि मंगलवार का दिन है और हनुमान जयंती है, तो आज के दिन भगवान को घी और गुड़ का प्रसाद भी अवश्य ही रखें। घी और गुड़ का आज के दिन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको दान करें। आज के दिन घी और गुड़ के दान करने का बड़ा महत्व है, मंगल आपके प्रसन्न हो जाएंगे। और जिनकी भी जन्म तारीख 9, 18 या 27 से मूंगा जरूर धारण करें। जिन्होंने मूंगा लेकर के पहना हुआ है आज के दिन उसको फिर से उतारें, उसको फिर से 108 बार ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र से करंट करें और पहन लें। हाँ, करंट करने से मैं आपको बता दूं कि अभी हनुमान जी की पारे की मूर्तियां हनुमान जयंती वाले दिन करंट की जाएंगी, तो इसका स्टॉक लिमिटेड है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको बुक करवा सकते हैं। हनुमान जी की पारे की मूर्ति अगर आपके घर में विद्यमान है, दोस्तों बुरी नजर हाय बद्दुआ से हमेशा घर बचा रहेगा। दुकान में अगर आप इस मूर्ति को ले जा करके रख देते हैं तो दुकान में कभी नजर हाय किसी की लगेगी नहीं, ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी हमेशा। पारा ऐसी चीज है, पारे का शिवलिंग, पारे के हनुमान जी घर में हमेशा धन की वृद्धि करते हैं और आप घर में पूजा पाठ ज्यादा होने लग जाएगी, आपका मन भगवान में लगने लग जाता है, बुरी नजर हाय बद्दुआ से आप बच जाते हैं। छोटी सी मूर्ति है, अगर आप चाहें तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस मूर्ति को आप एक छोटे सा बक्सा बनवाएं, उसके अंदर आप उसको रख करके अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। अगर आपके साथ हनुमान जी हैं तो दोस्तों कभी शत्रु आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, अचानक कभी कोई संकट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। इतने छोटे से बिल्कुल शायद 1-1.5 इंच की उनकी साइज है, बहुत बड़े नहीं है, आप उनको हमेशा अपने साथ में भी रख सकते हैं। तो जरूर मैं तो सभी से बोलूंगी कि आप इस मूर्ति को जरूर मंगवा लें, इससे हमेशा के लिए आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, बराबर। और घर को सुरक्षित करने के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, ये है जो लोग पूजा पाठ से थोड़ा घबराते हैं, इस सेलेनाइट की प्लेट को मंगवाएं, इसको आप, ये हैंगर है, आप इसको अपने दरवाजे पर टांग सकते हैं, दुकान में शोरूम पर जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ, जहाँ भी आपका वर्क होता है वहाँ सिर्फ आपको लटका दें, बुरी नज़र हाय बद्दुआ सबसे आपको बचा करके रखेगी और घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा। गाड़ी में टंगी रहेगी तो कभी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा।
कोई भी अच्छी चीज़ आप घर में लेकर के आते हैं नज़र नहीं लगेगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको भी मंगवा सकते हैं। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़, जिनके स्टोन्स आप बोल रहे हो कि अब वो काम नहीं कर रहे, पहले काम कर रहे थे, या कितने ऐसे भी हैं कि मैडम आया तो है, वर्क उस टाइप से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कितनी बार उस पर कई बुरे लोगों की नज़र लग जाती है, उनकी छाया पड़ जाती है, घर में कभी कोई नेगेटिविटी ऐसी आती है जिससे स्टोन्स काम करना छोड़ देते हैं। तो सेलेनाइट की पैड जरूर मंगवा लें, और पत्थर को, स्टोन को, ब्रेसलेट को, पैन को आप इसके ऊपर रख करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से वो अपना काम करना शुरू कर देगा। ये तमाम चीज़ें पूजा पाठ के साथ साथ घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर इन चीज़ों से सुरक्षित रहता है, जीवन सुरक्षित रहता है, पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। जो लोग शत्रुओं को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, या लंबे समय से कोई काम है जो अटक रहा है, नहीं हो पा रहा है, वे लोग आज सूर्य देव को जब जल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं, और सूर्य देव को जल देते हुए हनुमान अष्टक का पाठ करें। सूर्य देव को जब आज जल देते हैं तब आप हनुमान अष्टक का पाठ करें, आज के दिन हनुमान अष्टक का पाठ करें और 8 अगरबत्ती सूर्य देव को अर्पित कर दें हनुमान जी के नाम से। सूर्य देव हनुमान जी के गुरु थे, सूर्य देव को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान अष्टक का पाठ करने से, वज्र बाण का पाठ करने से उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि आज तो हनुमान जयंती ही है, आज के दिन हनुमान जी के साथ भगवान राम का नाम भी लेना चाहिए, सूर्य देव को भी आज के दिन प्रणाम करना चाहिए। तो आज के दिन अष्टक का पाठ जैसे मैंने बताया है उस तरीके से करने से तमाम प्रकार की सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा। इसी तरीके से आज अष्टक पढ़ें, और आज घर में श्री राम स्तुति जरूर गाएं, भगवान राम के आगे भी घी का दीपक लगाएं। जब हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी की पूजा से पहले हमेशा भगवान रामचंद्र की पूजा अवश्य करें। श्री राम कृष्ण कृपालु भजमन हरन भव भय दारु, ये जो है स्तुति रामचंद्र जी की, आज घर में इसका पाठ अवश्य करें। जहाँ भी भगवान राम जी की स्तुति की जाती है, जहाँ रामायण का पाठ होता है, वह हनुमान जी हमेशा हमेशा हाजिर हो ही जाते हैं। तो आज छोटा सा काम जरूर कर लें, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।